नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। इलेक्शन समाप्त हो गया, नई सरकारों ने अपना अपना शपथ ग्रहण कर लिया, काम पे शुरू हो गए और इसके साथ साथ जो एक प्रेडिक्टेबल बात थी, महंगाई भी शुरू हो गई। हिंदुस्तान में कुछ चीज़ें, जैसे हम लोगों की बहुत सी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हैं। एग्जाम आने से पहले जो किताब या कुंजी या की या गाइड जिसको बुलाता है, उसके नाम अलग अलग, उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। कुछ कुछ सीजनल है। उसी तरह से ये पूरे देश को पता है, हम सबको पता है कि जब इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन से जस्ट पहले और इलेक्शन के दौरान चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, दाम नहीं बढ़ेंगे, कुछ कुछ आपको मिलेगा भी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त होंगे फिर थोड़ी हार्डशिप शुरू हो जाएगी। आज 1 अप्रैल है, दुनिया इसको अप्रैल फूल के रूप में मनाती है, तो ईश्वर करे कि अप्रैल फूल ही हो अगर इस तरह का। लेकिन आज से जो महंगाई बढ़ रही थी उसने एक माइलस्टोन, एक जबरदस्त आज से और उछाल ले रही है। आज से सबसे बड़ी बात यह है कि आज से दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, जो हर एक के घर में कोई छोटी मोटी बड़ी कम दवाई आती ही है, बीपी, हार्ट, पैरासीटामोल, ये सारा शुगर वगैरह सबकी दवाएं बेहिसाब बढ़ी हैं, सब कुछ महंगा हुआ है। फ्रेट्स बढ़ गए हैं आज से, आज से टोल बढ़ गया है, मतलब ये अक्रॉस द इंडिया है। अच्छा, टोल के बारे में भी एक चीज़ अजीब सी है। टोल तो भाई ये होता है ना, जो समझाया गया था कि आप सरकार भाई एक साथ पैसा नहीं खर्च कर सकती है, तो सरकार पैसा खर्च करती है 100 रुपया, टोल से मान ली 10-10 रुपया करके आता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टोल हो जाता है, फिर सरकार टोल हटा देती है। पहला इसका सिस्टम यही था। टोल जैसे जैसे रोड पुरानी होती जाए तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यह है कि टोल कम होना चाहिए, यहाँ टोल बढ़ने लगता है। इसकी लॉजिक नहीं समझ में आई। महाराष्ट्र में लेकिन एक चीज़ मानना होगा कि वहाँ पे शक्ति है, वहाँ पे एजिटेशन उन लोगों ने किया, और महाराष्ट्र एक ऐसा देश प्रदेश है जहाँ पे टोल प्लाजा पे लिखा हुआ है कि अब तक इसका मान ली 10 करोड़ में हुआ, अभी तक इसका 5 करोड़ पेड हो चुका है, जब आपकी गाड़ी निकलेगी वो 20 रुपया लगेगा या 40 रुपया या 100 रुपया लगेगा, तो कम क्या आ जाए, अब इतना बचा, तो वो मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ टोल कम होने के बजाय अब टोल बढ़ा दिया जा रहा है। डीजल पेट्रोल का रेट तो एक नया स्टाइल सीखी गई है कि वो 10 दिन में 9 बार बढ़ा है, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा, ये माना जाता है कि ये पता नहीं लगेगा। वही है, अगर आप कोई नल आपके यहाँ ख़राब हो और उससे पानी चू रहा हो तो उस समय जाइए तो पता लगने लगेगा, लेकिन शाम तक वो एक बाल्टी पानी निकल चुका होता है। तो उसी तरह से ये रोज़ 10 दिन में 9 बार पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, गैस का प्राइस बढ़ा है, ये सब तो बढ़ा ही है। मैं एक बाबा रामदेव या लाला रामदेव जी का एक किस्सा बताऊं, उससे पहले आपसे एक बार फिर से आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप लेने से आपको एक छोटा पैसा हर महीने हमें सहयोग के रूप में देना होगा, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी मदद कर सकते हैं, जिसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा था, क्योंकि बाबा रामदेव का अभी कल परसों में एक वीडियो आया, वो हरियाणा में कहीं थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस वालों से बात कर रहे थे, तो वहाँ वो अपनी लॉजिक दे रहे थे कि अगर तेल का दाम बढ़ गया है तो भाई अगर तेल का दाम बढ़ेगा नहीं तो टैक्स कैसे आएगा, और हर चीज़ को बहुत ही मतलब शातिराना ढंग से उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया। उनका पहला आया था कि अगर तेल का दाम बढ़ेगा नहीं टैक्स कैसे आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो सेना को तनख्वाह कैसे मिलेगी, अब देश आ गया ना बीच में, भाई सेना को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सेना की दिक्कत होगी, तो उन्होंने तुरंत देश को, अच्छा फिर उन्होंने ये भी कहा कि देश को चलाएंगे कैसे, फिर उन्होंने उसका फॉर्मूला भी बताया, उन्होंने कहा मेहनत ज़्यादा करो, कहना मैं सुबह, उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको, हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो दोनों ही पक्ष हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कुंड सी छोरे भूखे मर रहे, ऐसे लोग कमाई। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार, अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी,
मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कुत्ते, तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास, मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है काफी, इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, तू किसी सभ्य माँ बाप की औलाद हो। जो कहा हम वही पूछ रहे हैं बाबा जी, आप जो जो भी समाज है, आप आज से 4-6-8 साल पहले आप कितना योग करते हुए दिखाई देते थे, कितने शिविर, और आज कितने योग और शिविर करते हुए दिखाई देते हैं, ये आप खुद से पूछ लीजिएगा। आप 4 बजे जरूर उठ जाते होंगे, हो सकता है आप 3 ही बजे उठ जाते हों, लेकिन आप अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, अपने व्यापार के लिए उठते हैं। मुझे नहीं लगता है बाबा जी कि आप किसी योग के लिए या इस तरह के कामों के लिए उठते हैं, क्योंकि आपको के बारे में ये भी कि आपका बाबा रामदेव से लाला रामदेव के सफर में दो चीज़ें, मैं एक जल्दी से एक चीज़ याद दिला दूं, जनवरी 2014 में आप इंडिया टीवी पे आए थे और वहाँ पे आपने कहा था कि 35 रुपए का डीजल पेट्रोल होना चाहिए कि नहीं, बच्चों सबने कहा हाँ होना चाहिए, फिर कुछ आपकी 75-80 का होना चाहिए, जो सरकार 35 में दे उसको देना चाहिए कि 75-80 में दे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आपने हाथ हाथ उठवाए थे, मैं वो दिखा दे रहा हूं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का, तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। फिर आपने ये इसके बाद पूछा था किसको वोट करेंगे, अब आप अपनी होशियारी से कह सकते हैं कि मैंने कहा था 75-80 वाले को, जो 100 रुपया होगी उस सरकार को बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो सरकार तो देश चला रही है, सेना को तनख्वाह दे रही है। तो मूल बात ये है कि क्या ये इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं, क्योंकि अगर ये रियल इश्यूज हैं तो आम जनता महंगाई के नाम पे वोट क्यों नहीं दे, ये भी एक सोचना होगा, क्योंकि अगर महंगाई है जो एक्नॉलेज करते हैं, जो सब लोग एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके यहाँ आके कोई आश्वासन देता है तो आप तो विश्वास करेंगे ना। एक और मैं आप सिर्फ याद दिलाने के लिए, अभी इलेक्शन बीता नहीं, 1-2 महीना नहीं हुआ है, 2 महीना पहले हमारे अमित शाह साहब ने अपनी रैली में क्या कहा था ये सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी ने यूपी की 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी, और हमने तय किया है 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर अपने आपके घर पर आ जाए। आज मैं आपको कहकर जाता हूं 10 तारीख को भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताइए, 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। उसको होली से पहले आपको एक गैस सिलेंडर मिल जाना था, कितने लोगों को मिला, किसी को मिला कि नहीं मिला, ये आप ही बता दीजिए क्या हुआ। अब वो कहेंगे कि जैसे हमने मोदी जी ने कहा था 1,500,000 रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, तो वो तो इलेक्शन का जुमला था, तो ये भी जुमला है, वो अलग बात है अगर आप इसको इस तरह से कहें, लेकिन लोगों ने विश्वास किया आपका। अब क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो हर चीज को की नई डेफिनेशन बनती जा रही है, देश में भी बन रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब हैं, जस्टिस चंद्रधारी सिंह,
उन्होंने अभी एक ऑब्जर्वेशन किया जब हेट स्पीच की सुनवाई के दौरान, जिसमें उन्होंने जजमेंट रिसीव रिजर्व कर लिया है, उस पिटीशन में मांगा जा रहा है कि FIR अनुराग ठाकुर और परेश वर्मा जी के खिलाफ हो, क्योंकि डेली रॉयड से पहले जो उन्होंने हेट स्पीच की थी उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और जरा सुन लीजिए तो आपको, इफ़ यू आर सेइंग समथिंग विद अ स्माइल देन देयर इज नो क्रिमिनैलिटी, If you are saying something offensive, then definitely. मतलब अगर आप मुस्कुरा के गाली दे रहे हैं हे करके, तो उसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, आप गाली भी दीजिए वो करिए, मतलब क्या लॉजिक है? अब वो जस्टिस साहब हैं, सिटिंग जज हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है। अब बात आती है कि महंगाई तो है, ये आप भी मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं, इस महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, पहली चीज़। दूसरा, इसको इस स्थिति में कौन है कि इस महंगाई पे थोड़ी रोक लग सके, थोड़ा कम हो सके या कुछ भी, वो कौन है? क्या विपक्ष इस स्थिति में है या विपक्ष जिम्मेदार है, या विपक्ष इस स्थिति में है कि वो महंगाई को कम कर सके? भाई निर्णय तो आप लेने के वाले, या वही पुराना कि नेहरू के समय ये सब गलती हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी आज तक है? क्योंकि एक जो बाइनरी बनाने की कोशिश की जा रही है ना, कि जो मोदी जी के साथ है वो राष्ट्रप्रेमी, जो मोदी जी के साथ नहीं है वो राष्ट्रद्रोही। क्योंकि अब देखिए, मैं भी उस समाज में रहता हूँ, मेरे भी उसी तरह के दोस्त मित्र हैं, मेरे भी जो बहुत से स्कूल के जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि नहीं जो हो रहा है मैं वो ठीक हो रहा है इत्यादि इत्यादि, मैं उसी रेफरेंस से बोल रहा हूँ। अब ज़्यादातर व्हाट्सएप पे पोस्ट कैसे शुरू होते हैं, मुझे पता है मेरी ये पोस्ट कुछ मानसिक रोगियों को पचेगी नहीं, पर ये बहुत सारी गालियाँ निकाल कर अपना हाजमा ठीक कर सकते हैं। सच्चाई स्वीकार करने के लिए निष्पक्ष एवं वीरता जरूरी है। ऑलरेडी मेरे जो मित्र हैं स्कूल फ्रेंड, उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि जो मानसिक रोगी हूँ, अगर क्योंकि मुझे अगर अच्छी नहीं लग रही तो मैं मानसिक रोगी हूँ, और वो खुद तो बहुत वीर और निष्पक्ष और सच्चे हैं, राष्ट्रप्रेमी भी हैं। तो ये एक बाइनरी आपने शुरू कर दी कि जो आपके इस बात को से अग्री ना करे वो उसके साथ है। क्योंकि देखिए, इश्यूज जो इलेक्शन के हैं, भाई मैं फिर से कहता हूँ कि क्या वोट, बेरोजगारी, किसानी, ये सब इश्यूज रेलेवेंट हैं कि नहीं है? अब आगे की थोड़ी बात करें, ठीक है वोट मैनेजमेंट आप अच्छा करते हैं, आप जीत गए, आप किन कारणों से जीते आप भी जानते हैं, वो बुलडोजर की वजह से जीते कि ठोक दो की नीति से जीते कि हिंदू मुस्लिम करके जीते, जैसे भी जीते, और क्या EDCBI, क्योंकि भाई ये भी ठीक बात है कि डरेगा वही जो बेईमान और चोर होगा, तो अगर EDCBI से कोई डरता है तो कहीं ना कहीं उस वो कोर्ट है, तो ये लॉजिक भी ठीक है। मेरे हिसाब से आवश्यक यह है कि प्रश्न पूछते रहिए, प्रश्न इसलिए पूछते रहिए कि अगर आप प्रश्न पूछना भी बंद कर देंगे तो फिर तो कोई कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि बेरोजगारी का सवाल हुआ, महंगाई का सवाल हुआ, इस तरह के जो मूल सवाल हैं जिससे हम और आप रोज की तारीख में जूझ रहे हैं, उस पर कम से कम अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो कुछ ना कुछ तो कान पे जू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ तो जू रहेंगे कि कहीं तो आज नहीं तो कल सुनवाई होगी। और मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि वो सुनवाई होती है, उसको मानिए चाहे मत मानिए, सरकार में भाजपा भी और मोदी जी ये दोनों लोग ये माने थे दो बातें, जो आज हाल के इलेक्शन में आपने देखा भी, किसान एजिटेशन को क्यों वापस लिया गया, ये अब तो स्पष्ट है ना, वो एजिटेशन सही था, गलत था, ठीक था, नहीं था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, डर ये लगा कि वो इलेक्शन को इफेक्ट करेगा, वो वोट को इफेक्ट करेगा, इसलिए उसको वापस लिया गया, कानून को वापस लेना पड़ा। पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई नवंबर से, क्योंकि पता है कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगी इलेक्शन को, पता है। तो मैं सिर्फ कहना, आप जो भी ये देखता है कि आप इसको ट्वीट करिए, ये बोलते रहिए कि महंगाई है, भाई अगर महंगाई है, आपको लगता है महंगाई से दिक्कत हो रही है तो कहिए, क्योंकि अगर आप कहना भी बंद कर देंगे तो सरकार को जैसा लगता है अरे सब ठीक है, बहुत मजे में है सब लोग, मजे में नहीं है। हो सकता है कि एक किसी राष्ट्रीयता की वजह से, एक धर्म विशेष की वजह से वोट आपको मिल रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात और इसलिए कर दूं, उसके दो वो भी दिखा दूंगा, थोड़ा इस प्रेशर का एक फर्क भी आया है, जैसे मतलब जो बहुत पहले पैसे वाले हम लोग लगते थे ना इधर उधर, उसमें एक फर्क आया। मोदी जी जब उत्तर प्रदेश में आए थे शपथ लेने, तो पुराने वही आधा वाला कुर्ता और एक अंगूछा लपेट के आए थे, वो महंगे वाले जो शॉल और वो कुर्ता और ये सब नहीं है, सिल्क सब गाय, पुराना कुर्ता, तो कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ता है। वो एक फ़ोटो मैं कह दे रहा हूँ भाई, पुरानी और नई कोई भी लगा दें, दो तीन पुरानी फ़ोटो लगा दें, मैं अपने साथियों से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बात करनी है, आपको बात करनी है महंगाई पर, महंगाई पर आप जब बात करेंगे लगेगा कि सरकार को भी, यही सरकार है, इस सरकार को कुछ निर्णय ऐसे करने होंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पर एक जैसे बहुत बिरा बात के खर्चा होता है। अब एक नया चल रहा है यूपी फर्स्ट,
स्टेट टू गिव 30 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोजेज। अरे भाई आपके यहाँ 24 करोड़ लोग हैं, महाराष्ट्र सेकंड जिसको बोला जा रहा है उसके यहाँ 12 करोड़ लोग हैं, आपके यहाँ 24 उसके यहाँ 12, उन्होंने 16.5 उन्होंने 16 करोड़ 13 लाख लगाई, आपने 30 करोड़ लगाई है। अरे भाई दुगने हैं आप, उस रेशियो के हिसाब से आपके 32-37 करोड़ होना चाहिए था। तो मेरा कहना यह है कि प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप वो अंकुश नहीं लगा पाएंगे, वो प्रेशर नहीं बनाएंगे कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इस पे भी सरकार कहीं ना कहीं सोचना शुरू करे। थैंक यू सो मच।